हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक की होने वाली 10 बड़ी भर्तियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन 10 बड़ी भर्तियों के फॉर्म जरूर भर ले, जो निकले ऑल इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर में इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट। दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा इन भर्ती के लिए अप्लाई करने पर क्या योग्यता होनी चाहिए और आप इनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि ये पूरी जानकारी हम आगे इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, बात कर लेते हैं इन 10 बड़ी भर्तियों की पूरी डिटेल के बारे में। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। फर्स्ट नंबर पर बात कर लेते हैं DDA रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, पोस्टेड डेप्यूट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट, SO, आर्किटेक्चर असिस्टेंट, सर्वेयर, स्टेनोग्राफर, पटवारी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और माली, जिसके लिए 629 वैकेंसी निकली है। दोस्तों, एज लिमिट के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो और अप्लाई करने के लिए 10वीं ITI और ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 500 रुपये जमा करने हैं, जबकि वोमैन SC ST PWD या सर्विस मैन के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी जमा हो सकती है ऑनलाइन मोड द्वारा। आपका सिलेक्शन होने जा रहा है CPT और स्किल टेस्ट के द्वारा। दोस्तों, आपको सैलरी मिलने वाली है लेवल 1 से 11 तक के हिसाब तक। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30/4/2020। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी जमा करने की लास्ट डेट है 4/5/2020। ऑफिशियल वेबसाइट है DDA.org.in, जिसके द्वारा आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं गुजरात मेट्रो रेल जॉब्स के बारे में। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। पोस्ट है मैनेजर, सीनियर इंजीनियर और सर्वेयर, जिसके लिए 135 वैकेंसी निकली है। एज लिमिट के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए BE/BTECH डिग्री होना जरूरी है और आप इन पोस्ट के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आपका सिलेक्शन यहाँ पर इंटरव्यू के द्वारा होने जा रहा है और आपको सैलरी मिलने वाली है 33,000 से 2,80,000 रुपये पर मंथ और अप्लाई करने के लास्ट डेट है 21 अप्रैल 2020। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट है www.gujaratmetrorail.com, जिसके द्वारा आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, थर्ड नंबर पर बात कर लेते हैं RBCAU रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा। पोस्ट है सीनियर साइंटिस्ट, हेड सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, फार्म मैनेजर, प्रोग्राम असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, जीप ड्राइवर और ट्रैक्टर ड्राइवर, जिसके लिए 143 वैकेंसी निकली है। दोस्तों, एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम है साइंटिस्ट और हेड के लिए 50 साल, SMS के लिए 35 साल, ऑल अदर पोस्ट के लिए 30 साल और अप्लाई कर सकते हैं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो सीनियर साइंटिस्ट और हेड और SMS पोस्ट के लिए जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 1,000 रुपये जमा करना है, जबकि SC ST PWD वोमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है। ऑल अदर पोस्ट के लिए जनरल OBC EWS को 500 रुपये जमा करना है, जबकि SC ST PWD और वोमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर भी कोई फ़ी नहीं है। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी जमा हो सकती है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड द्वारा। आपका सिलेक्शन होने जा रहा है रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा। दोस्तों, आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है ऑर्गेनाइजेशन रूल के हिसाब से। आप इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 25/5/2020। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट है www.rpcau.ac.in, जिसके द्वारा आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, फोर्थ नंबर पर बात कर लेते हैं TRLM रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन है त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन। पोस्ट है स्टेट मिशन मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, कोऑर्डिनेटर, मिशन असिस्टेंट, अकाउंटेंट और अकाउंट्स असिस्टेंट, जिसके लिए 150 वैकेंसी निकली है अप्लाई करने लिए। मैक्सिमम एज 40 साल है। दोस्तों, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और MBA या CA कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है। सिलेक्शन आपका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू और रूरल अटैचमेंट टेस्ट के द्वारा होने जा रहा है। सैलरी आपको 13,000 से 40,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। आप इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो और ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट है 1/5/2020 और लास्ट डेट है 31/5/2020। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट है TRLM.tripura.gov.in, जिसके द्वारा आप इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, पाँचवें नंबर पर बात कर लेते हैं
कर्नाटका फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2020 के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन है कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड, जिसके लिए 339 वैकेंसी निकली है दोस्तों अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 27 साल, 2A 2B 3A 3B कैंडिडेट के लिए 18 से 30 साल, और एस सी एस टी कैटेगरी फर्स्ट के लिए 18 से 32 साल। दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं 12वीं पास कैंडिडेट। एप्लीकेशन फ़ी जमा हो सकती है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 120 रुपये, और एस सी एस टी कैटेगरी फर्स्ट पी एच ई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 45 रुपये, और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी फ़ी नहीं है दोस्तों। ये जमा हो सकती है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा। सिलेक्शन आपका होने जा रहा है रिटर्न टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के द्वारा। सैलरी आपको मिलने वाली है 21,400 से 42,000 रुपये पर मंथ। आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15/5/2020। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी जमा करने की लास्ट डेट है 18/5/2020। ऑफिशियल वेबसाइट है www.forest.awp-kr.com, जिसके द्वारा आप इसकी PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। 6 नंबर पर बात कर लेते हैं PGIMER चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। पोस्ट है सीनियर रेजिडेंट, SMO, जूनियर सीनियर डेमोनेस्ट्रेटर, जिसके लिए 159 वैकेंसी निकली है। मैक्सिमम एज 40 साल है दोस्तों अप्लाई करने के लिए। MSc, PhD, MD, MS, MA, MBSC होना जरूरी है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 1500 रुपये जमा करने हैं, SC ST कैंडिडेट को 800 रुपये जमा करने हैं, और PWD कैंडिडेट इसके लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जमा हो सकती है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा। आपका सिलेक्शन होने जा रहा है CBT और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के द्वारा। आपको सैलरी मिलने वाली है 67,700 रुपये पर मंथ। आप इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, और ऑनलाइन आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट है 4/4/2020 और लास्ट डेट है 6/4/2020। दोस्तों यहाँ पर CBT एग्ज़ाम होने जा रहा है 29/5/2020 में, और CBT का एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो 14/5/2020 से। CBT का रिजल्ट आने वाला है 10/6/2020 को। ऑफिशियल वेबसाइट है pgimer.edu.in, इसके द्वारा आप इस रिक्रूटमेंट की PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों 7वें नंबर पर बात कर लेते हैं कर्नाटका PSC रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन है कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको KPSC भी कहा जाता है। पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट सेकेंड डिवीजन असिस्टेंट, जिसके लिए 1279 वैकेंसी निकली है, और एज लिमिट 18 से 35 साल है। दोस्तों अब देख लेते हैं आपको यहाँ पर एज में कितनी छूट मिलने वाली है। OBC 2A 2B 3A 3B कैंडिडेट को 3 साल की छूट, SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट, और PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट मिलने वाली है। इसके लिए 12वीं ITI डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फ़ी है जनरल OBC कैटेगरी के लिए 635, 2A 2B 3A 3B कैंडिडेट के लिए 335, EX सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 55 रुपये, SC ST कैंडिडेट के लिए 35 रुपये। दोस्तों यह फ़ी जमा हो सकती है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा। आपका सिलेक्शन होने जा रहा है रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के द्वारा। आपको सैलरी मिलने वाली है 21,400 से 4,22,000 रुपये पर मंथ। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है 30/4/2020, और एप्लीकेशन फ़ी जमा करने की लास्ट डेट है 2/5/2020। 6/6/2020 में कन्नाडा लैंग्वेज एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.kpsc.kr.nic.in, जिसके द्वारा आप इसकी PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों 8वें नंबर पर बात कर लेते हैं सेंसस ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन है सेंसस ऑफ इंडिया ऑफिस। पोस्ट है डेप्यूटी रजिस्ट्रार जनरल, जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार जनरल, डेप्यूटी डायरेक्टर, मैप ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, रिसर्च ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटर, सीनियर जियोग्राफर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसके लिए 389 वैकेंसी निकली है, और मैक्सिमम एज यहाँ पर 56 साल दे रखी है। दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के द्वारा होने जा रहा है। सैलरी आपको लेवल 7, 8, 11, 12 और 13 के हिसाब से मिलने वाली है। आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों यह नोटिफिकेशन छपा था 25/2/2020 को, और आपको अप्लाई करना है। यह नोटिफिकेशन छपने के बाद 60 दिन के अंदर आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, और एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने के लिए एड्रेस है अंडर सेक्रेटरी ADMN थर्ड सेक्शन ऑफिस ऑफ द RGI NDCC सेकेंड बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर जेसिंग रोड न्यू दिल्ली 110001। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है census india.gov.in, जिसके द्वारा आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों बात कर लेते हैं 9वें नंबर पर
KSRTC रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, पोस्टेड ड्राइवर और ड्राइवर कम कंडक्टर, जिसके लिए 3,745 वैकेंसी निकली है। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 24 साल है और मैक्सिमम एज यहाँ पर जनरल जनरल के लिए 35 साल, 2A 2B 3A 3B कैंडिडेट के लिए 38 साल और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 40 साल होना ज़रूरी है। दोस्तों अगर बात की जाए हाइट की तो मेल के लिए यहाँ पर 163 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है और फीमेल के लिए 153 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। वेट मेल में 55 किलोग्राम होना ज़रूरी है और फीमेल में 50 किलोग्राम होना ज़रूरी है। इसके लिए 10वीं और ड्राइविंग लाइसेंस कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कैंडिडेट 10वीं पास है और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर जनरल 2A 2B 3A 3B कैंडिडेट को 500 रुपये जमा करना है और ऑल अदर कैंडिडेट को 250 रुपये जमा करना है, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा जमा किए जा सकते हैं। आपका सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम के द्वारा होने जा रहा है। सैलरी आपको 12,400 से 19,550 रुपये मिलने वाले हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20/4/2020 और एप्लीकेशन फ़ी जमा करने की लास्ट डेट है 23/4/2020। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है www.ksrtc.in। दोस्तों अब 10वें नंबर पर बात कर लेते हैं जो कि लास्ट है, कॉल कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन है कॉल कंट्रोलर और पोस्ट है लीगल असिस्टेंट सीनियर इन्वेस्टिगेटर अपर डिवीजन क्लर्क, जिसके लिए 15 वैकेंसी निकली है। दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम एज 56 साल होना ज़रूरी है और इसके लिए लो डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है। आप इसके लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो। आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के द्वारा होने जा रहा है, इसलिए आपको ऑर्गेनाइजेशन रूल के हिसाब से मिलने वाली है। दोस्तों आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो और यह नोटिफिकेशन छपा था 5/3/2020 को और आप अप्लाई कर सकते हो। यह नोटिफिकेशन छपने के बाद 60 दिन के अंदर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है callcontrol.gov.in, जिसके द्वारा आप इसकी PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं रेगुलर बेसिस पर।